औरैया जिले के विकासखंड एरवाकटरा क्षेत्र में विद्युत विभाग की अनदेखी के चलते विद्यालय में बड़ा हादसा होते होते उस समय बच गया जब बच्चे प्रेयर कर रहे थे। इसी दौरान अचानक हाईटेंशन लाइन का तार टूटकर विद्यालय परिसर में गिरा। आपको बता दें कि प्राथमिक विद्यालय एरवाकटरा प्रथम का पूरा मामला है जहाँ विद्युत विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। वही घटना के संबंध में विद्यालय के प्रधानाध्यापक सचिन मोहन शुक्ला ने बताया कि स्कूल में बच्चे प्रेयर कर रहे थे तभी 11,000 विद्युत लाइन का तार स्कूल परिसर में टूट कर गिर गया। उन्होंने बताया कि स्कूल परिसर में ही विद्युत की एक डीपी भी लगी हुई है जिसको हटाने के लिए कई बार शिकायत बिथुना विद्युत उपखंड अधिकारी से की गई लेकिन उनके द्वारा कोई तवज्जो नहीं दी गई। प्रधानाध्यापक ने कहा कि यदि स्कूल में लंच चल रहा होता तो बच्चे बाहर होते और एक बड़ा हादसा हो सकता था। क्या नाम है आपका? सचिन मोहन शुक्ला, प्रधानाध्यापक, प्राथमिक विद्यालय प्रथम में। क्या आज घटना हुई यहाँ स्कूल में? सुबह 9:45 पर स्कूल के अंदर 11,000 की लाइन प्रेयर हो रही थी। कुछ बच्चे आ जा रहे थे कि अचानक स्पार्किंग होगी और तार टूट गया 11,000 का। तो एक बहुत बड़ी दुर्घटना होने से वो भगवान ईश्वर की कृपा से बच गई। क्या स्कूल में ये जो डीपी रखी आपने इसके कभी पहले शिकायत नहीं की? कई बार इसकी शिकायत हमने की है लेकिन आज तक कोई इसकी सुनवाई नहीं हुई। कहाँ शिकायत की आपने? बिधुना SDO ऑफिस। तो क्या आपको लिखित वहाँ शिकायत जब की तो रिसीविंग मिली थी? नहीं, रिसीविंग उन्होंने दी नहीं। ये कहा कि एप्लीकेशन आप दे दिया है तो हम आगे देख लेंगे। उसका कोई रिसीविंग हमें आज तक नहीं दी। बच्चे क्या सभी लोग स्कूल में थे, अंदर थे, बाहर थे? कुछ प्रेयर कर रहे थे, कुछ आ रहे थे बच्चे। विद्यालय का समय 10 बजे का है इसलिए। ये देखो एक तार ऊपर से भी टूट के छत पे पड़ा हुआ है ऊपर, और मेन गेट पे जो रास्ता आता है वो वहाँ से तार टूट के और गिरा था। बच्चे बाल बाल बच गए। क्या आप कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहेंगे कि विद्यालय परिसर के अंदर जो 11,000 की खतरनाक लाइन है इसको यहाँ से बाहर कर दिया जाए जिससे कि हमारे बच्चे सुरक्षित रहें।